आई एम हिंदू एंड आई एम नॉट वायलेंट, ये तमाम बातें सियासी गलियारों में तब से शुरू हो गई जब दिल्ली में बैठे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, सदन की कार्रवाई चल रही थी और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साध रहे थे और बीजेपी पर निशाना साधते साधते राहुल गांधी हिंदुओं के विरोध में एक भाषण दे देते हैं और हिंदुओं को नफरत फैलाने वाला कह देते हैं, हिंसा करने वाला बता देते हैं और इसी पर अब बिहार की सियासत गर्मा जाती है और राहुल गांधी के ऊपर FIR भी हो जाता है। क्या है पूरी खबर, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो। राहुल गांधी का लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाना कांग्रेस के लिए जितना उत्साहजनक है, उतना ही उनकी बेलगाम और बेतुकी जुबान पार्टी की सेहत के लिए नुकसानदेह है। वो कब क्या बोल जाए कोई नहीं जानता। संसद में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा पर बोल गए कि देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ। भाजपा के लिए राहुल गांधी या कांग्रेस की खिंचाई का इससे बहाना मिल गया है। पहले से ही कांग्रेस मुक्त भारत का राग अलापने वाली भाजपा को राहुल की खिंचाई का इससे बड़ा मौका मिल गया है। बिहार में तो इसे लेकर भाजपा नेताओं में इतना गुस्सा है कि पटना के गांधी मैदान में थाने में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी राहुल गांधी की खूब खिंचाई की है। जेडीयू के किसी बड़े नेता का तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, लेकिन गुस्सा तो हर हिंदू नेता के दिल में है, भले ही वो भाजपा विरोधी ही क्यों ना हो। राहुल गांधी सोमवार को लोकसभा में 19 मिनट तक बोले। 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें बोलने का पहला मौका मिला था। उन्होंने मणिपुर का मुद्दा उठाया और भी कई मुद्दों पर बात की, पर उन्होंने भाजपा की आलोचना के क्रम में जब ये कहा कि देश में हिंसा नफरत तथा डर फैलाने का काम भाजपा करती है तो ये लोग हिंदू नहीं है। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लगाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए हालांकि ये भी कहा कि हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकते, कभी नफरत और डर नहीं फैला सकता। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी युवाओं, छात्रों, किसानों, मजदूरों, दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों में डर पैदा करने का काम करती है। बीजेपी के लोग अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों को डराते धमकाते हैं, उन पर हमले करते हैं, उनके खिलाफ नफरत फैलाते हैं। हालांकि इसके बावजूद अल्पसंख्यक इस देश के साथ चट्टान की तरह मजबूती से खड़े रहते हैं। कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद जो है सदन में हंगामा शुरू हो गया और खुद प्रधानमंत्री जो है वो राहुल गांधी को टोकते हुए नजर आए हैं। देखिए, जाहिर है कि सत्ता पक्ष में बैठी भाजपा नेताओं को ये नागवार लगा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार तरीके से राहुल गांधी के भाषण का विरोध किया। पीएम नरेंद्र मोदी को उन्हें खड़े होकर टोकना पड़ा। वहीं पीएम ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत गंभीर बात है। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी के भाषण के अलग अलग बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई। भाजपा नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष पर सदन को गुमराह करने और गलत बयानी के लिए उनकी खूब खिंचाई की। तो देखिए, जहां एक तरफ बीजेपी ने खिंचाई की तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के युवा नेता चिराग पासवान ने भी इस पर जो है निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर चिराग पासवान ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की राहुल गांधी की टिप्पणी पर चिराग ने गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता द्वारा उठाए गए मुद्दों में से कुछ तो तथ्यों पर आधारित भी नहीं थे। स्पीकर या प्रधानमंत्री के प्रति राहुल गांधी द्वारा की गई व्यक्तिगत टिप्पणियां अस्वीकार की थी। उन्होंने लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया। तो देखिए, राहुल गांधी ने जो तरीके से हिंदुओं के विरोध में सदन में भाषण दिया, इसको लेकर पूरे NDA खेमे में हलचल मच गई और NDA के तमाम बड़े मंत्रियों की तरफ से, बड़े सांसदों की तरफ से इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आने लगी और इस पर आपत्ति जताने लगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।